स्वर्ण बंधन। मां गागर है तो पिता सागर है, मां प्यार है तो पिता दुलार है, मां नदी है तो पिता पर्वत है, मां शक्ति है तो पिता साहस है, मां दुनिया है तो पिता दुनियादारी है, मां फर्ज है तो पिता जिम्मेदारी है। मम्मी पापा जी के 50 वसंतों के इस सफर में, जहां मम्मी जी के प्रेम, समर्पण और संघर्ष की कहानी है, वहीं पापा जी की बिंदास जीवन शैली, अदम्य साहस और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी है। इस बंधन की पहली गांठ लगी थी ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर में, जहां मम्मी जी अपने पिता और बुआ के साथ दर्शन के लिए आई थी। उधर पापा जी अपने माता पिता और अन्य परिजनों के साथ मम्मी जी को देखने पहुंचे थे। भगवान के दर्शन हुए, एक दूसरे को देखा और मन से मन की राह बनी। मन की बात परिवार वालों तक पहुंची और बात पक्की हो गई। संयोग ऐसा रहा कि कुछ ही दिनों बाद ग्वालियर मेले में मिलने का फिर से अवसर मिला, परंतु मम्मी जी के शर्मिले स्वभाव के कारण बात फिर भी नहीं हो पाई। हालांकि मौन स्वीकृति ने ही सगाई पक्की करवा दी और ठीक एक महीने बाद 10 फरवरी 1963 को नाचती गाती बारात दानाओली से नया बाजार श्री रामजी लालजी गर्ग के यहाँ पहुंची। 6 बहन भाइयों में शकुंतला मौसी के बाद मम्मी ही सबसे बड़ी थी और गर्ग परिवार में लंबे समय के बाद ये खुशियां आई थी, तो शादी बड़े धूमधाम से हुई। मस्ती कुछ यहाँ तक हुई कि मम्मी जी की जगह दुल्हन के भेष में छोटे मामा को मंडप में बिठा दिया था। बस यहीं से जो गठबंधन हुआ वो आज 50 बरस का हो रहा है। ऐसे खुशी के मौके हर किसी के जीवन में नहीं आते। हुई थी प्रीत, मिल गए थे मन, याद है मुझे वो पहला वसंत, वो सातों फेरे और सातों वचन, शादी की रीतें और अपना मिलन, उन हाथों का कंपन और झुकते नयन, याद है मुझे वो पहला वसंत, तुम्ही से शुरू हर भोर की किरण, है रिश्ता हमारा जैसे खुशबू चंदन, खिली एक बगिया बना एक नंदन, मिलन का हमारे बंद रहा स्वर्ण बंधन, मिलन का हमारे बंद रहा स्वर्ण बंधन। स्वर्ण बंधन। ग्वालियर के प्रसिद्ध मावा एवं मिठाई व्यवसायी श्री मठुमल जी एवं श्रीमती कस्तूरी देवी के यहाँ 15 नवंबर 1942 को दानाओली ग्वालियर में पापा जी का जन्म हुआ। 7 भाइयों और 4 बहनों के बड़े परिवार में पापा जी 6 नंबर पर थे, तो शुरू से ही लाड़ प्यार सबका पूरा मिला, यानी बचपन पूरे ऐशो आराम और खेलकूद में बीता। ये मार्केट जो सीधा सामने बनी है ना, गांधी मार्केट, ये बगीचा था कुछ जमाने में। अच्छा। हम छोटे छोटे खेला करते थे वो बगीचे में, वो जमाने का इसमें जंगल जलेबी जल बिजली करे ना, वो जंगल जल लगती थी थोड़ा में, तो थोड़े खाया करते थे। परंतु पढ़ाई में रुचि होने के कारण पापा जी ने साइंस कॉलेज से BSc की। तब तक व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी थी। जी ने क्या कि पूरा ग्रेजुएशन किया था, उस वजह से उनको नॉलेज बहुत थी सब बात की, तो हमारे भी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत चलती रहती थी। दोस्तों का दायरा भी बढ़ गया था, सो मौज मस्ती में बाकी का दिन बीतता था। लेकिन पढ़ने से अभी मन नहीं भरा था, तो MLB कॉलेज से LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई, व्यापार और बिंदास जीवन शैली को जीते हुए 21 वसंत कब बीत गए पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के ही चाय के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री रामजी लाल जी एवं श्रीमती द्रौपदी भाई गर्ग के यहाँ 7 जून 1947 को मम्मी जी का जन्म हुआ। बचपन शुरू ही हुआ था कि अचानक माता जी का साथ छूट गया। मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 9-10 वर्ष की थी, उन्हें गहरा आघात लगा। परंतु ऐसे कठिन समय में उनकी चाची श्रीमती शकुंतला देवी गर्ग ने
सभी भाई बहनों को संभाला और मम्मी जी को पूरा साहस और सीख देते हुए माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया। चाचा चाची की सीख और हिम्मत से ही मम्मी जी ने अपने छोटे भाई बहनों को भी संभाला और पिता का भी सहयोग किया। मेरी क्या है, मदर जो है हमारी माता जी, पहले मतलब एक्सपायर हो गई थी, उस वजह से भी इनको जो है हम लोगों से बहुत, हमसे सभी से बहुत प्यार था। इनको माँ का पूरा प्यार हमारी हमारी बहन जी ने, बहन ने बहुत अच्छी तरह निभाया और समय समय पर वो हमारा पूरा ध्यान रखती थी। इन सब जिम्मेदारियों के चलते मम्मी जी की शिक्षा तो ज्यादा नहीं हो पाई, परंतु धर्म कर्म और सामाजिक रीति रिवाज का अनुभव उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही हो गया। और 16वें वसंत के आते आते वह पल आ गया जब पापा जी और मम्मी जी के मन का बंधन बंध गया। शादी के बाद से ही पापा जी ने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए ग्वालियर से बाहर का रुख किया और लंबी लंबी यात्राएं करने लगे। व्यावसायिक अनुभव और दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यापार बढ़ने लगा। कई बार यात्राओं में वे मम्मी जी को भी साथ ले जाते। काफी टूर करे उन्होंने, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ दिया। घूमने फिरने के शौकीन पापा जी ने मम्मी जी को साथ लेकर लगभग संपूर्ण भारत भ्रमण किया। आगरा, नीलकंठ, मसूरी और हरिद्वार पापा जी की खास पसंदीदा जगह थी, जहाँ वे अक्सर जाया करते थे। उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, तीर्थ अच्छा लगता है, लेकिन अब शरीर से मजबूर है, क्या करें। शादी के पहले वसंत से ही पापा जी मम्मी जी को इतना प्यार करते थे कि भाभियाँ उन्हें अक्सर छेड़ा करती थी। हमारे लाला जी ऐसे थे कि एक दिन ना भी नहीं छोड़ते, शादी के लगभग 1.5 साल बाद 26 अक्टूबर 1964 को बड़े बेटे घनश्याम का जन्म हुआ। तब तक पापा जी का व्यवसाय भी बढ़ने लगा था। समय ने रफ्तार पकड़ी और 16 मार्च 1967 को दूसरे बेटे स्वदेश के जन्म तक कारोबार काफी फैल गया। परंतु इस बीच पापा जी को जीवाजी क्लब जाने का शौक लग गया था, तो व्यापार में भी धीरे धीरे नरमी आने लगी। यह समय मम्मी जी के लिए थोड़ा परेशानी वाला हो गया। लगता था ये फालतू चीजें हैं, ये जीवाजी क्लब वगैरह में जैसे जाते थे, समय वहाँ पे खराब करते थे, हम कहते थे कि, तो फिर धीरे धीरे हमने कम किया बाद में। जीवन की धूप छांव के चलते 2-3 साल गुजरे। इस बीच सन 1969 में तीसरे बेटे दीपक का जन्म हो चुका था। इधर पापा जी व्यापार को पूरी लगन और हिम्मत से फिर से बढ़ाने में लगे थे और मम्मी जी का समय परिवार के लालन पालन के साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में व्यतीत होने लगा। जहां पापा जी प्रतिदिन अचलेश्वर महादेव जाया करते थे, वहीं मम्मी जी धर्मपुरी के ठाकुर जी की सेवा में अपना समय देने लगी थी। सन 1971 तक मम्मी पापा जी की बगिया में 2 फूल और खिल चुके थे। 3 बेटों के बाद सन 1970 में परिवार की इकलौती बेटी शालिनी का जन्म हुआ। घर में खूब खुशियां मनाई गई। 22 सितंबर 1971 को सबसे छोटे बेटे मनीष का जन्म हुआ और परिवार भी दानाओली से मोर बाजार में रहने आ गया था। सो व्यापार और परिवार का संतुलन भी बनने लगा। ऐसे कई पल आते हैं, जैसे हम साथ में जैसे कभी भी परिवार के अंदर होते हैं तो मम्मी पापा हैं तो वही ध्यान रखते थे पूरी तरीके से, कोई बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उनका रहता था। धर्मपुरी के ठाकुर जी की कृपा एवं दादा गुरु जी के आशीर्वाद से घर में फिर से सुख शांति और आनंद का वास रहने लगा। और समय ने फिर रफ्तार पकड़ी, बेटे बड़े हो गए थे।
भाई क्या पापा तो क्या थे कि बहुत बिंदास थे और उनको गुस्सा आता तो ये देखते नहीं थे सामने कौन बैठा है। तो प्रेरणा तो यही मिली है कि उन्होंने बचपन से ही ऐसा रखा है कि कोई रोक टोक नहीं रखी, कहीं पे भी जाना है आना है, या बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने बाहर जाने की आज्ञा दे दी, बाहर बिजनेस करने के लिए उन्होंने जाने दिया। तो वो एक उनकी तरफ से वो एक प्रेरणा थी। अपनी दूरदृष्टि और हिम्मत के चलते थोड़े ही समय में पापा जी ने अपने पुश्तैनी मावे के व्यापार को ग्वालियर से नागपुर, हैदराबाद, बैजनाथ धाम और जमशेदपुर सहित देश के कई नगरों में फैला दिया था। अपन तो कुछ भी नहीं गए, उधर गए, भरा ये दुनिया भर की जगह घूमे, जगह जगह गए। सबसे पहले उन्होंने भेजा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, और लोग तो मुनीम वगैरह तो बाद में गए, वही गए। पापा जी ने व्यापार करने का हौसला और सीख बचपन से ही सभी बच्चों को भी दी थी, तो बेटे भी व्यापार में पापा जी का साथ देने लगे। पापा जी की हिम्मत और भरोसा इतना था कि वे अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही लंबी लंबी यात्राओं पर कभी अकेले तो कभी साथ ले जाया करते थे। पापा हिम्मत थी, पापा के अंदर हिम्मत कैसी की कोई भी काम करना है पीछे नहीं हटते, करना चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना है, वहां पे व्यापार करने भेजना, बच्चों को भेजते थे और काम करके आओ। हम लोग उस समय 17-18 इयर्स के थे, तब से उन्होंने हमको बाहर भेजा और काम करने की हिम्मत दी। आज अगर शायद वो हमको हिम्मत ही देते तो आज हम बाहर निकल के काम नहीं करते, ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। बेसिकली वो उनका जिगर बहुत बड़ा था, जो मैंने देखा वो आते थे तो समझो कि पूरा मार्केट एक तरफ और वो अकेले एक तरफ। चार दिन काम करते थे महीने में, चार पांच दिन ही काम करते थे, लेकिन वो पांच दिन वो धमाल मचा के जाते थे। मम्मी पापा जी के गठबंधन से हुई शुरुआत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ बच्चों के गठबंधन से। बड़े बेटे घनश्याम का विवाह ग्वालियर के ही श्री भोगी राम जी एवं श्रीमती सोना देवी जैन की सुपुत्री उर्मिला से हुआ। वहीं स्वदेश का गठबंधन भोपाल निवासी श्री महेश चंद जी एवं श्रीमती कुसुमलता गर्ग की सुपुत्री कविता से बंधा। परिवार की इकलौती लाडली बिटिया शालिनी का बंधन बंधा मुंबई के शाहजी श्री जगदीश प्रसाद जी एवं श्रीमती अंगूरी देवी अग्रवाल के सुपुत्र श्री विनोद अग्रवाल जी से। दीपक का बंधन हुआ मुरैना निवासी श्री सुभाष चंद जी एवं श्रीमती मुन्नी देवी गोयल की बिटिया बबीता से। और सबसे छोटे बेटे मनीष के बंधन की डोर बंधी ग्वालियर निवासी श्री रामचंद जी एवं श्रीमती रुक्मणी देवी गुप्ता की लाडली राश्री से। मम्मी जी ने हमेशा ही अपनी बहुओं को भी बेटी जैसा ही प्यार दिया। जो माँ प्यार देती है वही प्यार दिया था उन्होंने मुझे, और मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। जब हम लोगों को भी कहीं जाना होता है, ज्वेलरी वगैरह पहननी होती है, तो अपन को तो मम्मी ने कभी भी मतलब ऐसे परेशानी नहीं हुई। मम्मी ने फौरन खुद ने नहीं पहना, हमको पहनाया। मम्मी का नेचर ही इतना अच्छा है कि अपन मम्मी के पास गुस्से के मूड से जाओ तो मम्मी हंसा देती है। आज तक मम्मी ने मेरे को एक तक ये नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया। हमेशा मैं गलती बहुत करती हूँ, लेकिन हमेशा प्रेम से समझाया उन्होंने। और मैं मम्मी ने मुझे डांटना तो बहुत दूर की बात है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमेशा बचपन से अभी तक हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, हमेशा बहुत सम्मान दिया है। क्योंकि मम्मी जी ने बचपन से ही जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था, तो मम्मी जी बहुओं के मन की बात को समझती थी। सन 2002 तक आते आते सभी बच्चों ने भी अपना अपना कारोबार शुरू कर दिया था कि अचानक 2006 में दशहरे के दिन पापा जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। पापा जी को फौरन अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चिकनगुनिया बिगड़ने के कारण बीमारी को गंभीर बताया। पापा जी कुछ दिनों तक कोमा जैसे हालात में रहे। ये पापा का दूसरा वार थे, उस समय डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि वो चले गए, तो उसके बाद डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने उनको चेक किया, एक दिल्ली के डॉक्टर थे, उन्होंने उनको गाइड किया। उस समय पे गाइड करने के बाद उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, तो उनमें कुछ सांसें वापस आई। उसके बाद में दिल्ली से एम्बुलेंस आई और दिल्ली में हम उनको वहाँ से दिल्ली लेके गए एम्बुलेंस से।
तो वो एक घटना उनके साथ हुई थी, उसके बाद से वो उसके बाद ठीक तो हो गए वो, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है अभी तक। पापा जी का यह दूसरा जन्म हुआ था। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होता रहा और 2009 में मम्मी पापा जी परिवार सहित चेतकपुरी में रहने आ गए। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं अब, मैं समझता हूँ पहले से भी ज्यादा अच्छे एक्टिव हो गए और हर बात को बड़ी अच्छी तरह सब बातचीत कर रहे हैं अच्छी तरह। चेतकपुरी का घर बनाने में तीसरे बेटे दीपक ने खूब मेहनत की। जब सब कुछ ठीक हो गया तो सन 2010 में मम्मी जी ने ठाकुर जी की कृपा और दादा गुरु जी के आशीर्वाद से बड़ी भागवत जी का आयोजन किया। घर में बड़े समय बाद इतनी भव्य और बड़ी भागवत जी का आयोजन हुआ था। मम्मी जी की धार्मिक और पारिवारिक यात्रा चल ही रही थी कि सन 2011 में अचानक उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। जो कोई रोड घूमने जाएगा उसका कैसे हो सकता है लगा। उस दिन भी मैं घूमने गई थी, पेपर पढ़ा है ना, दूध लिया, उनको भी दूध दिया, दूध पीने के बाद पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक हो गया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बस कहती रही, बेहोश हो गई। फिर स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मम्मी पापा जी ग्वालियर से इंदौर आ गए, परंतु मन उनका आज भी ग्वालियर के अपने पुराने घर में ही लगा रहता है। मम्मी पापा जी के आशीर्वाद से ही चारों बेटे आज अपना अपना सफल कारोबार कर रहे हैं। माता पिता की सेवा का अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आ पाता। आज मम्मी पापा जी का स्वास्थ्य उम्र के साथ साथ अपना असर दिखा रहा है, फिर भी जहां मम्मी जी के प्रेम, समर्पण और आशीर्वाद की धारा निरंतर बह रही है, वहीं पापा जी आज भी अपने बच्चों को उतना ही हौसला, प्यार और साहस देते हैं। हमारे लिए यह बहुत ही हर्ष का समय है कि हम मम्मी पापा जी के गठबंधन की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मम्मी पापा जी का यह स्वर्ण बंधन हीरक बंधन बने और हम पर उनका आशीष सदा बरसता रहे। गठबंधन की इस कड़ी में मम्मी पापा जी के आशीर्वाद से ही सिंगल परिवार की बगिया में बच्चों के घर भी फूल खिले हैं। पिछले वर्ष सिंगल परिवार की सबसे लाडली और सबसे बड़ी बिटिया ऋचा के जीवन की डोर को बांधा साहजी श्री प्रवेश नीरू अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री राघव जी ने, और आज बंध रहा है मम्मी पापा जी के पहले मधुर मिलन का स्वर्ण बंधन।